कुछ घास से आपको किस तरह तर्पण करना है। कुछ घास मैं आपको पहले मैं कुछ घास दिखाती हूँ, कुछ घास रखी होगी वहां पर, निकाल के देना मुझे। मैं आपको कुछ घास दिखाती हूँ कि कुछ घास कैसी होती है। और आपको देखिए ये कुछ घास होती है, थोड़ा सा ये ना चुभती है। तो आपको तर्पण कैसे करना है, रोज सुबह आपने एक लोटे में जल लेना है, आपने एक लोटे में जल लेना है। लोटे में जल लेकर के आपको, आपने लोटे में जल लेना है, तांबे के लोटे में जल लेकर आपने कुछ घास इस तरह से इसमें डिप करके, और आपने जब इस तरह डिप करके रखेंगे तो कुछ घास को इस तरह डिप करके आपने इस तरह जल सूर्य देव को चढ़ाना है। सूर्य देव को पहले जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल बचा लीजिएगा और फिर दक्षिण की तरफ मुख करके आपने फिर से इस तरह जल चढ़ाना है। इस जल का ध्यान ये रखिएगा कि ये जल आपका जमीन पे ना गिरे, किसी गमले में पौधे में कहीं भी गिरे तो ठीक है, लेकिन ये जल आपका जमीन पे नहीं गिरना चाहिए। और खास एक बात का ध्यान रखिएगा कि रोजाना आपको ये कुछ घास नहीं लेने की जरूरत नहीं है, आप कुछ घास लेकर आ जाइए और 15 दिनों तक आप इसी कुछ घास को इसमें डालकर आप जल दे सकते हैं, आप पितरों का तर्पण कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि जब आप अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं, सूर्यदेव को जल देने के बाद में दक्षिण की तरफ मुख करके आप पितरों को तर्पण जरूर करिए, कुछ घास से आप पितरों को जल जरूर अर्पण करिए।